नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि W नाम वाले जातक एवं N नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर देना है, साथ में एस्ट्रो फॉर यू को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, W नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के बंधन में आते हैं तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उसमें एक समानता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने कीमती समय को बर्बाद करना, अपने समय का मिस यूज करना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं एवं इस कारण से इन दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत ज्यादा आकर्षक एवं रोमांचक होता है। लेकिन दोस्तों, इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने जिद को, अपने हठ को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं एवं इन दोनों के इस स्वभाव के कारण इन दोनों के बीच में कुछ परेशानी, कुछ समस्या अवश्य होता है। लेकिन इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो अपने आपसी जीवन में बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, W नाम वाले जातक एवं N नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में लगभग सारी बातें हमने सुनी एवं इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो सामान्य रूप से सही रहेगा। यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो फॉर यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय मां दुर्गे आप कमेंट कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।